नाम कह रहे कि जी मैं इधर मजदूरी करता हूँ, इधर ये जीना इंफोर में पिशावर मोड़ में, तो यहाँ इमरान खान साहब ने लंगर खोला है, यहाँ पे सारे मजदूर लोग आते हैं, खाना खाते हैं। ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हम लोग पहले यहाँ पे धक्के खा रहे थे, कुछ भी नहीं था, इधर बहुत सर्दी होती थी। अभी इन्होंने रैली की जगह भी बना दी है, खाने पीने का बंदोबस्त भी कर दिया है। अल्लाह इनको खुश रखे, इन्होंने बहुत अच्छा काम ये किया। मेरा नाम राजबली है, मैं नौशेरा का रहने वाला हूँ। इधर मजदूरी के लिए आया हूँ। इधर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तीन टाइम हमको खाना मिलते हैं और अच्छा खाना मिलते हैं और रिहाइश भी बहुत ज़बरदस्त, पना गादी है, रिहाइश भी मिलते हैं। मछली अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी सहूलत है गरीबों के लिए, क्योंकि पहले हुकूमत ने कभी इस गरीबों के सौ सोच नहीं किए कि आरा गरीब लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते। सारे पहले सारे गरीब लोग इधर पासों में गर्मियों में सर्दियों में बैठते हैं, और आजकल शुक्र हमें इस हुकूमत में गरीबों के लिए बहुत सहूलत मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पना गादी पटरी रजाइयों के लिए बंदोबस्त, सब कुछ गरीबों के लिए बंदोबस्त इस हुकूमत ने किए। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, जो हुकूमत ने ये इदारा शुरू किया है, गरीब आवाम को बहुत सहूलत मिला है। हम ये गरीब आवाम को देख रहे थे कि सड़कें पे सो रहे थे, इधर सर्दियों में जब ये इदारा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह तीन वक्त रोटी भी मिलती है, सुबह का नाश्ता भी मिलता है और रहने के लिए उनको सहूलत भी मिलती है। यहाँ के जितने वर्कर है अल्हम्दुलिल्लाह हर वर्कर अपना अपना काम बखूबी सर अंजाम दे रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मौजूदा हुकूमत के बहुत ही इस काम पे खुश हैं। सर नाम मोहम्मद अनीस है। इससे पहले मैं रेंट ए कार में जॉब करता था और कोविड-19 के दरमियान मैं जॉबलेस हो गया था, और अब कामयाब जवान प्रोग्राम में अप्लाई करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना बाइज़त रोजगार कमा रहा हूँ। मेरा नाम उसामा तारिक बाकी है, मैं इस्लामाबाद जीलावन का रिहायशी हूँ। पहले इस्लामाबाद जीलावन में मेरी शॉप थी, वो मेरी दुकान बंद हो गई, तो मैंने गवर्नमेंट में अप्लाई किया दुकान के लिए। मुझे इस्लामाबाद इस्लामाबाद में गवर्नमेंट ने दुकान दी और मैं इस दुकान पे बहुत खुश हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शाहिद इकबाल है और मेरा ताल्लुक फैसलाबाद के नवाई गांव से है। मेरा सबसे बड़ा प्लान था कि मैं अपना बिजनेस सॉफ्टवेयर होस्ट के तौर पर रन कर सकूं। अब उसमें सबसे पहले मेरे लिए पैसे का चैलेंज था, उसके लिए मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत। मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद मैंने अपने सारे प्रोसीजर किए, उसके बाद नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुझे लोन प्रोवाइड किया, उसके बाद मैंने अपना सारा प्लान एग्जीक्यूट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना सेटअप चलाने में कामयाब हो गया। We'll be right back.
हमारे मुल्क का नाम नहीं होता है। इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम मुस्लिम खवातीन के लिए एहसास किफालत प्रोग्राम का आगाज किया। मेरा बेटा और मेरा शौहर हम सब काम करते हैं। कोरोना के वजह से लॉकडाउन हो चुका है तो हमारे घर सारे कुछ बंद हो गए। बहुत परेशानी की हालत थी मेरी और एहसास के पैसों में आज छोटी सी दुकान है जिसे शाम को हमें 300 बचत हो जाता है 400 तक। हमारे बच्चों को रोटी वगैरह मिल जाती है और हमारा चूल्हा जलता है। एहसास कफालत प्रोग्राम में 70 लाख मुस्तहक खवातीन के लिए 2000 रुपए महाना नकद वजीफा और बचत बैंक अकाउंट शामिल है। मुल्क भर में मुस्तहकीन खानदान की शनाख्त घर घर सर्वे और डेटा एनालिटिक्स के जरिए किया जा रहा है। وكان يشاهدون طول أحمد ويوني سراء فأيسي لما زبك ويشتير زبك يوم تأجيب أشياء ما سوى الفاشياء مشتا ولا دوني بدا كاما قد مورا دون بدا ودا دون عن زغالي في دخال فانوك ومين كولا في دي مجاي تكو دونان سوال اللہ کو جو سب سے چیز پسند ہے کہ آپ اپنے کمزور طبقے کی مدد کریں تو آپ نے پوری دیانتداری سے پہلے تو سسٹم ڈیولپ کیا تاکہ جو یہ 200 ارب روپے آپ نے خرچ کرنا ہے یہ صحیح طرح उन लोगों को पहुंचे जो मुस्तहक है। इस समाजी तहफ्फुज प्रोग्राम की अहल सिर्फ वो गरीब खवातीन है जिनके पास आमदनी का कोई नहीं। प्रोग्राम में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए पहली बार बायोमेट्रिक अदायगियों का निजाम मुतारिफ कराया गया है और मुस्तहक खानदानों के लिए बैंकों के दरवाजे खोले गए हैं। मजीद मालूमात के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें और इस प्रोग्राम से फायदा उठाएं। सलाही अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलती राय और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। 2020 का सूरज गुरूब हो चुका है और 2021 का सूरज तुलू होने को है। एक साल में हुकूमती कारकर्दगी पे आज रोशनी डालेंगे और बात करेंगे। आपको बड़ी अच्छी तरह याद है रोटी कपड़ा और मकान, कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, आवे ही आवे, इस तरह के खोखले नारों ने और उन वादों ने जो वफा न कर पाई वो हुकूमतें, अवाम के अंदर एक महरूमी और एक वो कहते हैं कि एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो पैदा किया, जिसकी बिना पर अवाम और रियासत के दरमियान एतमाद का फुकदान, जिसका फायदा किसने उठाया और किस तरह हमने ये देखा कि पाकिस्तान से पैसा भी लूटा गया और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजार रही है, मुख्तलिफ बिखरी हुई आबादियों में वो लोग जो अशियाए जरूरिया और जो बुनियादी जरूरियात जिंदगी से महरूम हैं, उनका न सिर्फ सोचा भी नहीं गया बल्कि उनकी तालीम और सेहत पर सियासत की। पूरी दुनिया में तालीम और सेहत ये दो ऐसे शोबे हैं कि जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्होंने प्रोवाइड करना है, यानी मुफ्त सेहत और मुफ्त तालीम, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में अरसे दराज से इन दोनों शोबों पर सियासत हुई, खूब हुई, भरपूर अंदाज से हुई। लेकिन मौजूदा हुकूमत की अगर हम बात करें, मौजूदा हुकूमत ने रियासत मदीना की बात की, रियासत मदीना के रहनुमा उसूल और किस तरीके से इंसाफ लोगों के घरों तक, उनकी दहलीज तक पहुंचाने का वादा किया, इसी हवाले से एहसास प्रोग्राम आपके सामने है। एहसास प्रोग्राम में आपने देखा कि 17 अक्टूबर 2019 को इस्लामाबाद में पहला लंगर खाना कायम किया गया और पीर वदाई अड्डा, आपको पता है एक बहुत ज्यादा वहां पे आप क्राउड आपको नजर आता है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है वहां पे, तो लोगों का आना जाना वहां पे ज्यादा लगा रहता है। इसी हवाले से क्या वो प्रोग्राम था आगे जाके हम तफसीलन आपसे बात करेंगे। कामयाब जवान प्रोग्राम आपके सामने है। 21 बैंकों के जरिए 2.5 करोड़ रुपए तक का कर्ज दिया जा रहा है और सिर्फ 3% मार्कअप, यानी 10 लाख रुपए पे सिर्फ 3% मार्कअप वसूल किया जाएगा। आपको बैंकों का खुद पता है, बैंकिंग सेक्टर जो है उसका जिस तरीके से प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करना, हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक पर जो है वो लोन देना और एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है, जिस प्रोसीजर को या उस फॉर्मेलिटीज को पूरा करना जो है वो बहुत मुश्किल है, लेकिन हुकूमत ने सिर्फ शनाख्ती कार्ड की शर्त इसमें रखी है, एक शहरी होना आपका, जिसके पास जो CNIC होल्डर है उसका होना जरूरी है। सेहत प्रोग्राम के हवाले से भी बात करें तो सेहत कार्ड दिया गया, आपको पता है पैंडेमिक
का हमें सामना करना पड़ा और प्राइम मिनिस्टर का जो स्मार्ट लॉकडाउन था उसको एक ग्लोबल इनिशिएटिव करार दिया गया और दुनिया के दीगर ममालिक ने भी उसे एडॉप्ट किया। उसके बाद हम बात करते हैं एहसास कफालत प्रोग्राम की, जिसमें मुस्तहक लोगों को, आपको पता है जिन लोगों के पास एक वक्त की रोटी नहीं है उनको मंथली 2000 रुपए का वजीफा भी दिया गया। इन तमाम तर उमूर पर बात करेंगे। एक साल में हुकूमत ने क्या ऐसी कारकर्दगी की, कौन से वादों को वफा किया कि अवाम मजीद तवक्कुआत जो है वो वाबस्ता करे हुकूमत से, और आने वाले दिनों में क्या हिकमत अमली होगी हुकूमत पर, इस पर बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अली मोहम्मद खान ने, आप वजीर मुमलिकत हैं बराए पार्लिमानी उमूर, बहुत शुक्रिया आपका अली मोहम्मद खान साहब, आपने हमें वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सजाद बुखारी जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हुकूमत का जो हिकमत अमली है, जो स्ट्रेटजी है, और लोगों के बुनियादी मसाइल, उनके फंडामेंटल राइट्स, इन तमाम चीजों का वादा आपने किया, ये बताइएगा इन दो सालों में, गो के करंट अकाउंट डेफिसिट की हम बात करें, चार माह से ज्यादा कर्जा हो गया, सरप्लस में चला गया है, हमारी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 28 दर्जा बेहतरी आई है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट देखें और वर्ल्ड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें तो पाकिस्तान के मुस्बत इशारे बता रहे हैं, लेकिन इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट एक आम आदमी तक इसका फायदा कैसे पहुंचेगा, इस हिकमत अमली की और जो पाइपलाइन में मंसूबे हैं उस पर रोशनी डालिएगा। मुबारक मोहम्मद रसूलुल्लाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। 2020 खत्म होने को है और 2021 चंद घंटे बाद स्टार्ट हो जाएगा, और जो हमारा एज ए मुस्लिम तो नया साल मुहर्रम में शुरू हो चुका है, लेकिन ईसवी और मुहर्रम सब अल्लाह ताला का, तो ईसवी के हिसाब से नया साल शुरू होने वाला है। अगर इस पिछले साल पर नजर डालें और आपने जो सवाल किया है, एक चीज जो अल्लाह ने तौफीक दी कि सबने अपने दस्तावेज के मुताबिक जो भी इनपुट दे सकता था देता रहा, एक चीज जो अगर मैं इस पूरे एक साल की तरफ देखूं, और आपने ट्रिकल डाउन इफेक्ट की भी बात की है, जो चीज मेरे जहन में निकल निकल के आती है, जिसको मैं याद रखूंगा आपके साथ 2021 में ले जाते हुए, वो एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने एक साल ख्वाब में भी जो है वो है इमरान खान, जिसने पूरा उस फिक्र में गुजारा है, और उसमें अल्लाह ताला ने उनको बहुत सी चीजों में काफी कामयाबी भी दी है, कुछ चीजों में उस लेवल की कामयाबियां नहीं मिल सकी, लेकिन कोशिश उनकी जो है वो उसको मैं सलूट करता हूं कि एक आदमी एक ऐसी जदोजहद के साथ लगा हुआ है कि अगर आप पाकिस्तान की पिछली 72-73 साल की तारीख उठा के देखें तो बहुत कम आपको चीफ एग्जीक्यूटिव ऐसे मिलेंगे जो एक लंबी जदोजहद के बाद इकतदार में आते हैं, और फिर इकतदार में आने के बाद एक सेल्फलेस तरीके से एक ऐसा सिस्टम ठीक करने की कोशिश करते हैं, जिसकी डॉक्टर सजाद बुखारी में आपको एग्जाम्पल ऐसे दूंगा, इसको आप समझ पाएंगे, क्योंकि मेरा इनका बैकग्राउंड है, तो मैं उस सवाल से एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको कि एक बिल्डिंग का निजाम होता है जो पानी आता है मुख्तलिफ वॉशरूम्स में, और वो जगह जगह से 30-40 साल में सीपेज हो जाए, जगह जगह उसको जंग लग जाए और पूरी बिल्डिंग में पानी सीप होता हो, और उसको आपका टास्क हो कि आपने उसको क्लीन करें, पाकिस्तान निजाम करप्शन अल्लाह ताला ही, मैं समझता हूं कि अल्लाह तक कर्म से होगा, हम हमारी और आपकी एफर्ट से होगा, तो एक तो वो एक हरक्यूलियन एफर्ट, द वर्ड विच यू कैन यूज हरक्यूलियन एफर्ट, विच इज वी एंड कैबिनेट मेंबर्स वी आर ट्राइंग टू पुट इन। आपने ट्रिकल डाउन की बात की है डॉक्टर साहब, इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि जो माइक्रो इंडिकेटर्स हैं वो अल्लाह के करम से बेहतरी की तरफ चल पड़े हैं। खासकर जो एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि वल्ला ये अल्लाह का कोई करम है, और मैं समझता हूं कि हमारी इसमें एफर्ट कम होगी, अल्लाह का करम ज्यादा है, लेकिन अल्लाह ने इमरान खान साहब को इसमें सुरखरू किया कि जहां कोरोना की वजह से दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज बैठी, दुनिया हैरान है कि पाकिस्तान पे उसका उतना इफेक्ट भी नहीं आया, और हमारी इकोनॉमी जो है एक्सपोर्ट बढ़ी है, आपकी जो रेमिटेंसेज हैं वो तारीखी रेमिटेंसेज आई हैं, तो ट्रिकल डाउन में थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि अभी आप देखिए पाक हिंदी पिछले 35 साल में शायद पहली बार है कि आपकी सियालकोट और सारी अडजॉइनिंग एरियाज में पाकिस्तान में
आपकी पावर लूम्स तकरीबन सारी एक्टिव हो गई हैं और साथ साथ आप करंट अकाउंट का दूसरा आपने खुद भी बात कर दी, लेकिन ट्रिकल डाउन इफेक्ट में थोड़ा सा वक्त लगेगा जबकि उनके जाहिर है दो साल की मरी हुई मुर्दा इकोनॉमी और एक बैंक करप्ट इकोनॉमी और एक करप्ट ज्यादा निजाम जो है उस दौर में आप एक ट्रैक पे तो ला सकते हैं, 100% चेक नहीं कर सकते। तो 2020 की तरफ अगर मैं मुड़ के देखूं बहुत सी चीजें जिसपे आप प्रोग्राम में वक्त को मैं बात करूंगा, हमने उनकी इकोनॉमी बैठ गई है, दुनिया बंद हुई, कारोबार बंद हुआ, पाकिस्तान ठीक है, हमें अल्लाह ताला ने खड़ा रखा और फिर जो एहसास प्रोग्राम के तहत पे पाकिस्तान के करोड़ों घरों तक करोड़ों लोगों तक जो इमदाद पहुंची है वो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है और इमरान खान साहब का और मैं समझता हूँ कि उनकी टीम का एक परिणाम है। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, क्योंकि मैं तारुफ करवाता चलूँ, हमारे साथ आबिद कयूम सलेरी साहब भी मौजूद है, मुल्क के मुमताज माहिर माशियात हैं, एक आपका आर्टिकल आज मेरी नजर से गुजरा है, बहुत शुक्रिया आबिद कयूम सलेरी साहब। मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब कयूम सलेरी साहब की तरफ जाने से पहले मुझे ये बताइएगा कि ये जो खास तौर पर लंगर खाने के हवाले से जो बात की जाती है, आपको याद होगा हमारा एक निजाम यहाँ पे मौजूद है जो कि गैर फाल था अरसा दराज से, जिसे मुसाफिर खाने कहा करते थे, आप समझ इसको जरा कंपेरेटिवली आप बताइएगा कि उन मुसाफिर खानों में लंगर खानों में फर्क क्या है, किस तरीके से इन लंगर खानों को उससे बेहतर और उसमें एक जिद्दत लाई गई है कि ताकि कंपैरेटिवली हम ये कह सकें कि वो जो हमारे पहले के मुसाफिर खाने थे वो लंगर खाने जो है ज्यादा बेहतर है। जमीन आसमान का फर्क है डॉक्टर सजाद साहब, एक होती है एक रूटीन की कार्रवाई जिसको हमारे वर्कर अफसर शाही की जबान निकाल जाता है कार्रवाई और एक होती है कि जब आप दिल से एक काम करते हैं वो नजर आता है, जैसे एक काम करते हैं होटल में भी खाना पकता और सली माँ भी खाना बनाती है, लेकिन जो अपनी सली माँ घर से खाना बनाती है उस इमरान खान साहब की मैं जाहिर है बहुत अरसा उनके साथ हो गया है तो हम तो उनको एक बार की तरह दर्जा देते हैं, इस वजह से नहीं कि वो कोई बहुत मशहूर आदमी है या कोई बहुत वो पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए हैं, उनमें एक डर था मुल्क के लिए, जो जिना में था कायद आजम मोहम्मद अली जिना में था, जो किसी हद तक भुट्टो साहब में भी था, ठीक है कि मैंने खान साहब एक स्ट्रांग शख्सियत है, लेकिन मैंने जब जब कभी कभी उनके आंसू आते देखे हैं तो मैं इन जगहों पर कुछ जगहों पर तो मैंने खुद भी विजिट किया है, इस्लामाबाद में जो है हमारे जो एमडी डॉक्टर माल है उनका जिक्र अगर मैं ना करूं ज्यादा होगी, जिस जज्बे से वो खास साहब के विजिट को आगे लेके जा रहे हैं और नवाज बत्ती साहब, तो जब इस्लामाबाद का हमारा पेशावर मोड़ वाला मुसाफिर खाना लंगर खाना बन रहा था तो ही इन्वाइटेड मी, मैं वहां गया और वहां जो प्यार से और एक बड़ी आप किसी को 1 लाख रुपए इमदाद भी दे दें लेकिन अगर आप उसके एहसास का ख्याल नहीं रखेंगे उसकी इज्जत नफ्स को कोई फायदा नहीं है, आप उसको 1000 रुपए दे दें कुछ भी ना दें, प्यार के दो बोल बोल दें लेकिन उसकी इज्जत नफ्स दिन जब ये बड़ी अहम बात की आपने, उनका केयर किया जाता है अली मोहम्मद खान साहब, उनका क्या फर्क है जी, यही है अली मोहम्मद खान साहब हम आपकी तरफ दोबारा आ रहे हैं क्योंकि मैंने ब्रेक अनाउंस करनी है, आपकी हम तक आवाज पहुंच नहीं रही है, कुछ टेक्निकल इशू है, एक ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो आबिद कयूम सलेरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात हैं और खासतौर पर इस करंट अकाउंट जो डेफिसिट है इसका सरप्लस में जाना, इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कम होने के साथ क्या ताल्लुक है और इस 4 माह के दौरान जो ये सरप्लस में गया है इसका क्या इंपैक्ट पॉजिटिव इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पर होना है, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। खबरों के हजूम में सच की तलाश मुश्किल जरूर है
मगर नामुमकिन नहीं। मुल्की और गैर मुल्की हालात और वाकियात को हम परखते हैं हर जाविये से और बिल आखिर ढूंढ लाते हैं सच को जो हकायक पर मबनी होता है। देखिए प्रोग्राम सच के साथ सैयद अनवारुल हसन के साथ। देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 10:05 पर सिर्फ बिजली न्यूज पर। फौरी खबर हो राय या तज़िए डिजिटल दुनिया में आपके साथ साथ बीटीवी न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत टॉक शोज खसूसी रिपोर्ट्स और आगही के पैगाम की फौरी रसानी के लिए पेश पेश बीटीवी न्यूज फेसबुक अकाउंट पर 30 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल। हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया। बीटीवी न्यूज दरोस्त हर वक्त बार बार। इस्लामाबाद जी डावन का रिहायशी हूँ। पहले इस्लामाबाद जी डावन में मेरी शॉप थी, वो मेरी दुकान बंद हो गई तो मैंने गवर्नमेंट में अप्लाई किया दुकान के लिए। मुझे इस्लामाबाद F11 में गवर्नमेंट ने दुकान दी और मैं इस दुकान पे बहुत खुश हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद इकबाल है और मेरा ताल्लुक फैसलाबाद के एक नवाई गांव से है। मेरा सबसे बड़ा प्लान था कि मैं अपना बिजनेस सॉफ्टवेयर हाउस के तौर पर रन कर सकूं। अब उसमें सबसे पहले मेरे लिए पैसे का चैलेंज था, उसके लिए मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत। मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद मैंने अपने सारे प्रोसीजर किए, उसके बाद नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुझे लोन प्रोवाइड किया, उसके बाद मैंने अपना सारा प्लान एग्जीक्यूट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना सेटअप चलाने में कामयाब हो गया। वेलकम बैक नाजीन, हम बात कर रहे थे हुकूमत की एक साल कारकर्दगी पर। 2021 का सूरज तुलू होने को है और हुकूमत ने एक साल में जो परफॉर्मेंस हुकूमत की रही है या हुकूमत ने जो वादे किए उनको किस हद तक उन्होंने वफा किया। मैं अब्दुल कयूम सुलेरी साहब आपकी जानब बढ़ूंगा। सर ये बताइएगा कि आपने देखा कि पिछले दिनों में हमारे 28 दर्जा बेहतरी आई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, लेकिन दूसरी जानब एक चीज बड़ी अहम है, यहां कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात भी की गई कि उस पर भी ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। जिस तरह अली मोहम्मद खान साहब ने भी कहा, मैंने भी कहा कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो सरप्लस में गया। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इसकी एक वजह जो है ये कोविड यानी ये पेंडेमिक है जिसकी वजह से हमारी इंपोर्ट कम हुई है, इसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट। इस बैलेंस की वजूहात क्या है ये भी साथ में बताइएगा। बैंकिंग सेक्टर और दूसरा हमारा रियल स्टेट सेक्टर, इन दोनों को
सहूलतें दी गई हैं, फिर कामयाब जवान प्रोग्राम के जरिए भी एक ट्रांजैक्शन यानी बैंक के अंदर एक कमर्शियल एक्टिविटीज जो है उसका आगाज हो जाएगा। इसका क्या इंपैक्ट होगा आने वाले दिनों में, और ये करंट अकाउंट डेफिसिट का भी बताइएगा सर। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पहले तो मेरा ख्याल है हमें अपने आप को बहुत खुशकिस्मत गर्दानना चाहिए कि अल्लाह ताला ने ये एक जो आलमी वबा की ये सदी की सबसे जो बदतर वबा है उसमें हमें महफूज रखा हुआ है। कुछ लोग जो हैं कोविड से शिफाजाब हो गए हैं हमने से, और बहुत से ऐसे हैं जिनको खुदा का शुक्र है कि कोविड ने छुआ तक नहीं। और इस नोट ऑफ ऑप्टिमिज्म के साथ जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं 2020 को, तो 2020 आम सालों से बिल्कुल मुख्तलिफ साल है। मैं तो ये कहता हूं कि इसमें आपको फिलहाल जो नफा नुकसान है उसको बिल्कुल भूल जाना चाहिए, कहां पे सरप्लस है कहां पे डेफिसिट है। असल चीज यह है कि हुकूमतों को किन चीजों पे वार्निंग दी गई थी, तीन चीजों के बारे में वार्निंग दी गई थी। एक ये दी गई कि जी ये एक ऐसी पेंडेमिक है जिससे खुदा न खास्ता बहुत ज्यादा इंसानी जानों का ज़िया होगा, हर जान कीमती है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान में इस बीमारी ने उस तरीके से हमें मुतासर नहीं किया, बचे रहे लाख लाख एहसान से। तो एक तो हेल्थ पेंडेमिक की वार्निंग थी, दूसरी जो वार्निंग थी वो आलमी के साथ गुजारी की थी कि जी ग्लोबल रिसेशन आएगा, इकोनॉमिक रिसेशन, और दुनिया की इकोनॉमी जो है वो सब बैठ जाएगी और बैठी हुई आपको नजर आती है। और तीसरी वार्निंग थी फूड क्राइसिस की कि इन दोनों चीजों की वजह से गजा का ऐसा बहरान पैदा होगा, और हमने देखा कि आपके विस्कॉन्सन और कैलिफोर्निया जैसी स्टेट्स में लोग जो थे खाने पीने के दुकानों को वो लूट रहे थे क्योंकि वहां पर खुराक की किल्लत पैदा होगी। ठीक है, अब ऐसे में कोई हुकूमत की अगर आप कारकर्दगी जानना चाहते हैं तो इस ट्रिपल क्राइसिस से बचने के हवाले से देखना होगा। और जब आप ये देखते हैं तो मैं सिर्फ नाज़रीन को ये याद कराऊं कि जब फरवरी में हमारे पास पहला केस आया तो ना हमारे पास वेंटिलेटर थे, ना हमारे पास ऑक्सीजनेटेड बेड थे, ना सैनिटाइजर थे, ना कहीं पे मास्क मिल रहा था, ना कहीं पे ग्लव्स मिल रहे थे। और विद इन वीक्स एनसीओसी जो है वो बनाई गई, और एटलीस्ट आपके बड़े बड़े शहरों में ये सारी चीजें जो थी वो दस्तयाब हो गई। इसी तरीके से जब आप इकोनॉमी की बात करते हैं जहां पर पूरी दुनिया को आलमी के साथ बाजारी का सामना करना पड़ा, और अमेरिका जैसे मुल्क और बाकी जो ममालिक है ट्रिलियन ऑफ डॉलर उन्होंने लोन आउट किए, हमने अपनी बसात पे रहते हुए कर्जे मांग के जो भी हमने किया, लेकिन आप देखिए कि स्टेट बैंक ने एक टेम्पररी रिलीफ रीफाइनेंसिंग जो थी वो दी, जो कर्जों की असल जर था उसकी पेमेंट जो है उसको मुअक्खर कर दिया गया, बिजली के बिलों को गैस के बिलों को मुअक्खर कर दिया गया, एम्प्लॉयर को इस बात पे जो है वो लोन दिया गया कि वो अपने टीम को ले ऑफ ना करे, बिजली के यूनिट्स जो थे उनकी जो ऑफ पीक का ऑन पीक जो पीक आवर्स उसकी डिस्टिंक्शन खत्म कर दी गई, 15 लाख फैमिलीज को 12,000 रुपए महीना के हिसाब से एहसास प्रोग्राम में दिए गए। तो ये सारी चीजें जो थी, और सबसे बढ़ के जिसपे उस वक्त हम मुझे भी शायद उस वक्त डाउट था कि ये जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी है, और ये मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी चीज है जिसका पूरी दुनिया जो है उसका मोतरफ है, लेकिन ये एक बिल्कुल बड़ा एडवाइजर्स होकर प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन था कि, और आज हम उसकी तारीफ कर रहे हैं कि अगर मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाता, इकोनॉमी को बिल्कुल आप जीरो पे ले आते तो शायद उसको जब सितंबर अक्टूबर में हमें थोड़ा सा वो जो एक रिलीफ पीरियड मिला था तो उसमें इतनी जल्दी हम किक ऑफ ना करती इकोनॉमी, और जो इस वक्त हमें हमसाया ममालिक के एक्सपोर्ट ऑर्डर मिले हैं टेक्सटाइल के वो शायद हमें ना मिल पाते। अच्छा, तो इस चीज की अगर आप देखें तो आपकी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको भी आपने अवर्ट किया, और फिर तीसरा फूड क्राइसिस का, यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन जरूर हुई, मिसमैनेजमेंट हुई गंदम की कीमतों में, आटे में, चीनी में, लेकिन कोविड रिलेटेड आपकी जो फूड क्राइसिस है वो नहीं हुआ, महंगा हो गया लेकिन खुदा खास्ता ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि लोगों को एक वो जो थी एक अनार्की वो फैल जाए गजा पे। तो इस हवाले से मैं देखूं तो हुकूमत के इन तीनों महाजों पे मेरा ख्याल है कि कदर बेहतर उसकी परफॉर्मेंस रही है। हम अगर खामियां और गलतियां ढूंढने में आएंगे तो 500 चीजों की लिस्ट जो है वो बना सकते हैं, लेकिन हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि इस तरह की सारे ग्राउंड रियलिटीज को मद्देनजर रखते हुए इन तीन क्राइसिस को अवॉइड किया है हमने। अच्छा, ये भी बताइएगा, मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा था जी सुलेरी साहब, मेरे जो सवाल का दूसरा हिस्सा था, हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने वाले दो अहम सेक्टर हैं जिसमें हमारा बैंकिंग सेक्टर है, और खास तौर पर ये जो कामयाब जवान प्रोग्राम है इसमें आप देखें कि 21 बैंकों के जरिए 2.5 करोड़ रुपए तक का
कस दिया जाएगा। आपको पता है कि जब हम IMF के बेल आउट पैकेज की तरफ जाते हैं तो फिर स्टेट बैंक की तरफ से हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसकी तफसीलात को तो आप भी जानते हैं। कमर्शियल बैंक्स की तरफ मामलात बढ़ जाते हैं, ये बैलेंस कैसे होगा? ट्रांजेक्शन तो बहुत अच्छी होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी होंगी, एक तरफ बैंक के जरिए लोन के जरिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दूसरी जानब जो सी पैक है, जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है, उससे भी एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 7 लाख के करीब लोगों को जो है वो उनकी खपत होनी थी, उन्हें जॉब्स मिलनी थी। तो इन एक्टिविटीज को अगर हम पैरेलल बात करें तो इसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है और कामयाब जवान प्रोग्राम में किस तरह होगा? जी इस पर डॉक्टर साहब, ये देखिए मैं जो दोबारा दोहराऊं कि इस वक्त आप भूल जाइए, लेट से कि आपका बहुत कर्जा हो जाता है, GDP डेट रेशियो बहुत बढ़ जाती है, इस वक्त अगर एज लॉन्ग एज वो कर्जा जो है अगर वो सोशल प्रोटेक्शन पे खर्च हो रहा है, अगर वो हेल्थ पे खर्च हो रहा है, अगर वो आपकी एजुकेशन पे खर्च हो रहा है या लाइवलीहुड को बरकरार रखने के लिए खर्च हो रहा है, तो मैं कहता हूं कि इस वक्त मैं बिल्कुल परवाह नहीं करूंगा कि डेट टू GDP रेशियो क्या है। ठीक है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर में कि आपकी रेजिलियंस बड़े इकोनॉमी में ये पोस्ट कोविड वर्ल्ड के लिए। अगर आज आप ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात करेंगे या आज हम कर्जा लेने से डर रहे होंगे तो होगा यह कि कल को जब कोविड से नॉर्मल होते हैं तो खुदा न खास्ता हमारे पास वो रेजिलियंस ही मौजूद नहीं रहेगी कि हमारी इकोनॉमी बाउंस बैक कर सके। तो ये जो 2020 और 2021 के साल, मैं दोबारा दोहराता हूँ, ये अनयूजुअल साल है, इसमें एज लॉन्ग एज ये कर्जा जो है ये मुनासिब जगह पे खर्च हो रहा है और बेहतर जगह पे खर्च हो रहा है, इसको होने दीजिए, इसको इसमें खसारे या नफे का हिसाब मत कीजिए। और यही वजह है कि जब हम कामयाब नौजवान के पैसे दे रहे होंगे या कोई और पैसे दे रहे होंगे, एज लॉन्ग एज कि वो आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 2022 जब आपका पोस्ट वैक्सीनेशन साल होगा वहां पर ये सारी चीजें हमारे काम आएंगी। और IMF अगले 6 महीने आपको कुछ नहीं कहेगा, IMF के साथ पिछले 6 महीने भी इसी वजह से नेगोशिएशन जो थे वो सस्पेंड रहे, लेकिन प्रोग्राम सस्पेंड नहीं हुआ कि कोविड है। और अगले 6 महीने भी जब तक आपके पास एक वैक्सीन का प्रोग्राम नहीं आता कामयाब, IMF आपको बहुत ज्यादा ट्विस्ट नहीं कर सकेगा। और ये आपके पास एक क्वेश्चन मौजूद है कि इसमें हम ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करें। ठीक है, अच्छा अली मोहम्मद खान साहब ये बताइएगा, सेहत सहूलत प्रोग्राम जो है बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है और जिस तरीके से हमारा तो बेसिक इशू भी यही है, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, डिहाइड्रेशन से अमवात की, जचगी से अमवात की शरह देखें तो पूरी जनूबी एशिया में शरह सबसे ज्यादा है, स्केटेड पॉपुलेशन भी एक वजह है, पानी का इशू भी है, बुनियादी सहूलियात का इशू भी है, बहुत अच्छा ग्लोबल इनिशिएटिव है। अच्छा ये बताइएगा, डेफिनेटली इसको भी सब्सिडाइज किया गया, इस पर भी सब्सिडी दी जाएगी, इसी तरीके से पूरी दुनिया में मास ट्रांजिट को भी सब्सिडी दी जाती है, ये बताइएगा इसको सब्सिडाइज करने के लिए इसका अल्टरनेट क्या होगा? यानी एक तो आप सब्सिडी दे रहे हैं, सब्सिडाइज कर रहे हैं, फॉरेन रिजर्व्स की अगर सूरत हाल देखें, ओवरऑल मजमूई तौर पर हमारे कर्जे देखें तो एक तो वो क्राइसिस भी है, तो इस प्रोग्राम की कंटिन्यूटी के लिए, तसलसल के लिए, इसको मैनेज करने के लिए तवील मुद्दती क्या मंसूबा है? देखिए शुरू में तो गवर्नमेंट ने ही इसको सपोर्ट करना है, आगे फिर इसमें मुख्तलिफ इदारे भी इन्वॉल्व किए जा सकते हैं। और जाहिर है अगर आप सोशल सिक्योरिटी देते हैं और आप हेल्थ सिक्योरिटी देते हैं तो हर किसी को तो हर वक्त ऑपरेशन नहीं चाहिए होता 5 या 10 रुपए का, वो तो हजारों में से किसी एक शख्स वो मैनेज हो जाता है। असल में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो स्टेट की बिल है, अगर रियासत की बिल है तो वो आप इन्वेस्ट करेगी, रियासत की बिल नहीं है तो सब बहाने होते हैं। हमारे जितने पाकिस्तानी ओवरसीज जाते हैं, मुझे आज भी हमारे एक मेरे एक रिश्तेदार हैं, बड़े अजीजी दोस्त हैं और मेरे बड़े करीब मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे फर्स्ट कजन है, तो वो UK में डॉक्टर हैं, वहां के जो है अब वो नेशनल भी हैं, आधी उम्र तकरीबन मेहनत करते हैं। तो बड़े साल पहले उनसे मैंने एक बात पूछी, जब पहली बार UK गए थे, कुछ अर्से बाद जब तशरीफ लाए तो मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर क्या फर्क है इधर उधर, मुझे कहते हैं मेरा उधर कोई चचा नहीं था, मेरा कोई वालिद नहीं था, सब तो इधर रह गए, मेरा उधर कोई नहीं था, लेकिन वहां का सिस्टम मेरे साथ खड़ा हुआ और मुझे ये पता था मेरा राइट कोई अब्यूज नहीं कर सकता। तो उसके कुछ अल्फाज और उसने जो अदा किए, मुझे बड़ा उससे सदमा भी पहुंचा कि हम अपने मुल्क को 72 साल में उधर तक क्यों नहीं पहुंचा सके। उसने कहा कि अगर मेरे वालदान इधर ना हो, मेरा घर इधर ना हो, तो मुझे सारी सहूलियत उधर है। अब ये कुछ चीजें हैं, इमरान खान साहब ने चूंकि आधी उम्र इंग्लैंड में गुजारी है क्रिकेट खेलते हुए और सोशल वर्क में भी दुनिया में फिरे, तो वो कॉन्सेप्ट लेके पाकिस्तान में पॉलिटिक्स को कर रहे हैं।
और आपने कभी इस पर डॉक्टर साहब सोचा है? आपको खुद बलूचिस्तान से हैं और आपके साथ वहां कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह पे एक जबरदस्त कॉन्फ्रेंस आपका मैंने इकट्ठी की है और मुझे इतनी खुशी हुई बलूचिस्तान में खड़े होके जो बलोच भाइयों ने और वहां के पख्तून भाइयों ने मेरे साथ मिलकर पाकिस्तान जिंदाबाद और कायद आजम जिंदाबाद के नारे लगाए वहां जी, और वहां जब उन इश्यूज को हमने देखे आप अपने बलूचिस्तान के इश्यूज को उजागर करते हैं, मैं तो आपको अप्रिशिएट करता हूँ यू सन ऑफ बलूचिस्तान और यहाँ पे अपना सूबे की भी बात किया करते हैं। तो अब ये आपको मुझे पता है और कमजोर इलाकों से आने वाले लोगों को पता है कि जो पाकिस्तानी मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं क्या वजह थी कि सबसे पहले इमरान खान साहब के साथ वो मजदूर जो पढ़े लिखे भी नहीं थे जो अपने मुल्क में माशी मजबूरियों की वजह से माँ का साथ घर का साथ अपने आंगन का बैठना वहां अपने माँ के हाथ की रोटी कौन छोड़ सकता है, काम काम तो नहीं है। इस वक्त भी आपकी मेरी बात और सलेडी साहब की बात सऊदी अरब में मुख्तलिफ जगहों पे जो हमारे पख्तून भाई और हमारे पंजाबी भाई और सिंधी बलोच भाई जो उधर मजदूरी के लिए गए होते हैं वो इस वक्त अपने डेरों पे बैठ के आपको मुझे सुन रहे होंगे, उनको पता है मैं जब उमरे वगैरह पे गया मैं उनके साथ बैठता हूँ उनके साथ मिलता हूँ। अवामी आदमी का तो यही काम है, मुझे उनकी तकलीफों का उनके दुख दर्द और उनके आंसू का पता है। वो लोग क्यों बावजूद इसके कि यहां तालीम याफ्ता लोग बाद में इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए और ओवरसीज पाकिस्तानी खान की स्ट्रेंथ बने, उसकी वजह ये थी कि उन्होंने बाहर इंसानियत की कदर देखी थी, यूके में जाके और मुल्क में जाके हेल्थ फैसिलिटीज देखी थी, तो उन्होंने ये जाना कि यार ये हमारे मुल्क में तो रोड के इफ्तिताह और गैस के इफ्तिताह पे पूरे पूरे गाँव के झंडे खड़े कर दिए जाते हैं कि मेरे साथ शामिल हो जाओ तो तुम्हें जो है वो कर। मेरे इलाके में जितने गैस के प्रोजेक्ट्स मैं डॉक्टर साहब देखे गया हूँ बिजली के रोड के, कभी किसी को ये नहीं कहा कि पीटीआई में शामिल हो जाओ तो करेंगे। अब ये सारी चीजें इमरान खान साहब इस मुल्क में करना चाहते हैं ताकि हमारा पाकिस्तान का बच्चा सन ऑफ सॉइल मजदूरी के लिए बाहर ना जाए। हाँ यहाँ वह तालीम के लिए जाता है लेकिन फिर वापस आए और रोजगार जो है बाहर से लोग यहाँ पे इमरान साहब मुझे याद है डॉक्टर साहब 2000 हमारा एक इलाका है दरगई मलकंड मेरे इलाके के, वहां पहली बार मैंने इमरान खान साहब के सामने स्टेज पे स्पीच की थी। उस स्पीच मेरी स्पीच के बाद खान साहब ने जब स्पीच की खान साहब ने एक बात की मुझे अभी तक याद है, वो कहते थे कि एक वक्त आएगा कि बाहर से लोग पाकिस्तान में रोजगार ढूंढने आएंगे। लोग मजाक उड़ाते थे अब भी उड़ाते हैं लेकिन मैं इंशाल्लाह इस बात पे मेरा पक्का यकीन है। तो ये सोशल सिक्योरिटी ये जो हेल्थ फैसिलिटीज की बात है यकीन करें डॉक्टर साहब खैबर पख्तूनख्वा में पख्तून दूसरी बार वोट नहीं देता, हमें अगर मिला है तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा उसका इंसाफ हेल्थ कार्ड का है कि गरीब आदमी अभी तो हमने बढ़ा दिया ना उधर उसके अमाउंट, उस वक्त 4-4.5 लाख रुपए उनको मिलते थे और कैश नहीं मिलता था, नो हाथ में पैसे नहीं मिलते थे। आप अगर एडमिट हैं अस्पताल में आपका ऑपरेशन है आपकी एंजियोप्लास्टी होनी है आपका स्टंट्स लगने हैं आपकी किडनी का कोई मसला है सर्जरी होनी है बदन के किसी हिस्से के आंख का ऑपरेशन होना है, उसमें रियासत हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा उस वक्त में और अब इंशाल्लाह पूरे मुल्क में रियासत पाकिस्तान उस पर इन्वेस्ट करेगी। तो गरीब आदमी अगर अस्पताल जाता है और वहां उस पर हुकूमत जो है 8-10 लाख रुपए लगाती है मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी हेल्प है, मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला खान साहब को इसमें कामयाब करेगी। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब ये जो सेहत सहूलत प्रोग्राम है मैंने कहा है बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, हमारा ये इशू है पूरे जनूबी एशिया में, हम तो बहुत सारे डिजीज जो है उसमें मुब्तला है, हमारी पूरी सोसाइटी जो है उसके तदारुक के लिए हमने पहले बहुत सारे नाम दिए कि हमने टीबी सैनिटोरियम्स भी बनाए, हमने हेपेटाइटिस बी के लिए भी कैंपेन्स चलाई, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए चेक एंड बैलेंस के लिए इन प्रोग्राम्स को बाकायदा तौर पर फॉलो करने के लिए क्या कोई अब समझते कमेटियां बनाई गई हैं शफाफ शख्सियात जो हैं उसका चुनाव और इंतखाब करके कि इसको इसकी शफाफियत को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव तभी कामयाब होते हैं कि उसका चेक एंड बैलेंस हो। देखिए पर अब तो सियासत में गंद बहुत आ गया है और हकायक जो हैं वो छुप जाते हैं लेकिन सच कभी छुपता नहीं है और इमरान खान साहब की सियासत से लाख के खिलाफ किसी को सही हमारे जितने भी मुखालिफिन हैं लेकिन अगर वो आप उनसे कभी प्राइवेट महफिल में बैठ के बात करें तो आपको सच्ची बात बताएंगे कि यार बंदा ईमानदार है बिल्कुल जो है खान साहब की सियासत में ईमानदारी और ये हमारी सियासत की बुनियाद भी है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस पर तो चेक भी खान साहब ने रखा हुआ है और ईमानदार लोगों को उसमें हेड के तौर पर रखा हुआ भी है, डॉक्टर सानिया निश्तर साहबा काफी केपेबल खातून है, साथ साथ इमरान खान साहब ने जो बैतुल माल साइड पर रखा है हमारा एक ऐसा बंदा है
जिसको बहुत से लोगों को नहीं पता, वो अपनी मुश्तरी नहीं करता। मैं आपको बताऊं, ऑन अबाउट वकी साहब अपने इलाके में अपने जेब से भी जो है वो एक मुसाफरखाना टाइप की जगह वो चलाते हैं, बड़ा वो करते हैं। और साथ साथ आपने चेक एंड बैलेंस की बात की, इंस्टीट्यूशनल चेक्स जो है वो बड़ी जो है वो जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आपका इंस्टीट्यूशनल चेक नहीं होगा तब तक जो है सिस्टम में प्रिफ्रेजेस हो सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल चेक जितने हैं उसकी डिटेल का तो मुझे नहीं पता, वो डॉक्टर सानिया निश्वर साहब को ज्यादा पता होगा क्योंकि वो इस प्रोग्राम को रन करती है। इतना मुझे पता है कि इमरान खान साहब का सबसे ज्यादा फोकस एहसास प्रोग्राम और हेल्थ कार्ड सिस्टम पे है। डॉक्टर फैसल को वो ले गए हैं, डॉक्टर फैसल यकीन करें मैं तो हैरान हूं, ये आदमी जो है ये जितनी मेहनत करता है इसको, आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट हिम, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल आदमी है, अपना वक्त निकाल के इधर वो लगा रहा है, अपना इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। वो अपना देखें, एक प्रोफेशनल डॉक्टर जब अपनी प्रैक्टिस वगैरह छोड़ के आता है, एवरीबडी नोज के वो कितना वो लोग या वो की लग रहा है, जिस तरह मेरी और कैदत का दफ्तर ये 8 साल हमने बंद किया हुआ है। बहरहाल इंशाल्लाह मैं आई एम वेरी होपफुल, क्योंकि खान साहब की नियत बड़ी साफ है, ठीक है। अल्लाह ताला हमेशा नियतों पर फैसले करता है, नो डाउट चेक्स मौजूद है। लेकिन एक चीज जरूर है, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, तरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो एमपी हैं, एमएनए हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि ऐसा लीडर फिर हमें नहीं मिलेगा। यकीन करें इस आदमी की हमें कदर करनी चाहिए, क्योंकि जब घर का बड़ा ना रहे ना फिर वो बरकत उठ जाती है। तो अगर खान साहब अभी मौजूद है, उनकी जिंदगी में हमें इस तहरीक के जरिए पाकिस्तान को इतना मजबूत कुछ करने के, कल को ना भी रहे ये पाकिस्तान जो है ये मजबूत रहे, इसके इदारे मजबूत रहे, और ये चोरी चकारी बिना सारे सियासतदान भी। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, मैं मेरी ख्वाहिश तो है कि इस पर हम लोग मौजूद है, तस्वीर से काम लेना हमारा काम है, और उसमें इंशाल्लाह हमारी टीमें लगी हुई, हम लोग लगे हुए। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि 100% ठीक है, आपने जिस तरफ इशारा किया हमने भी कमजोरियां लाजमन होगी जी। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शॉर्टली क्योंकि वक्त की किल्लत का हमें सामने में मिस लहरी साहब से फिर कंक्लूड भी करवाना है, सर ये बताइएगा ये जो एहसास कफालत प्रोग्राम है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वो तो हमारे सामने आ गया कि ब्यूरोक्रेट्स ने किस तरीके से जो है उसमें पैसे लिए, और ऐसे लोग जो मुस्तहिक ही नहीं थे उन्होंने किस तरीके से इससे फायदा उठाया, उनके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, ना मैं इस मीडियम पर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर सकता हूं कि उन्होंने किस तरीके से लोगों का हक मारा। ये बताइएगा कि इस एहसास कफालत प्रोग्राम और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में फर्क क्या है? देखिए बेनजीर इनकम सपोर्ट तो जो लोअर मिडिल कैडर के जो खवातीन थी उनके लिए था, एहसास कफालत में ये कि एक एक तो आपकी सर्वे बिल्कुल नई है, नई सर्वे की कोशिश ये की जा रही है कि जो BISP में बदकिस्मती से अरबों रुपए बहुत सालों तक वो लोग लेके गए जिनका बिल्कुल ही हक नहीं बनता था। अब ये जो कुछ हमने चेक्स इसमें रखे हैं कि एक आदमी का अगर अपना एक खास लेवल तक उसका बिजली या गैस का बिल है या एक टेलीफोन का बिल है या उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है या उसके नाम पे कोई गाड़ी चली है या चलती है, उसने कोई बाहर ट्रेवल किया है, तो उसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बिल्कुल ही लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट कैडर के जो लोग हैं उनको रखा जाए। तो नए सर्वे में कोशिश ये की गई है कि किसी भी तरीके से उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या सिफारिश के जरिए किसी को ना डाला जाए, मेरिट पे लोगों को रखा जाए। इंशाल्लाह एहसास कफालत का आप देखेंगे इसका इसका रिजल्ट BISP से भी बहुत बेहतर होगा। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता, BISP में भी बहुत से हकदार लोगों को भी मिला है, लेकिन उसमें बेशुमार ऐसे भी लोग हैं जो उन सियासी जमातों के कारकुन थे। ये सरकार का फंड जो है सियासी जमातों के कारकुनों के लिए तो नहीं होता, इस पे तो ज़कात के माल के तो अल्लाह से डरना चाहिए, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला का हक है। अल्लाह का ये जो लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट के लोग हैं जो बहुत ही गरीब और मसाकीन, तो अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह के कुंबे से ज्यादती करने वाले को कैसे वो अल्लाह जिंदगी में प्रूव हो सकता है? तो इस धरती का जिसने खाया है ना वो फिर उसको इस धरती ने छोड़ा भी नहीं है, छोड़ा नहीं है, समझ नहीं आती। वो समझते हैं माल ही सब कुछ है, सही, माल सब कुछ नहीं है, इज्जत बहुत बड़ी चीज है, और इज्जत माल से नहीं आती, इज्जत खिदमत से आती है, और वो ईमान की सफाई से और रिस्क के हलाल से आती है। बेशक कोशिश यही की जा रही है कि इसमें वो पुरानी गलतियां ना दोहराए। सॉरी मैंने बात लंबी कर, नहीं नहीं बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अभी अच्छा सुलहरी साहब कंक्लूड कीजिएगा प्लीज, बताइएगा शॉर्ट टर्म प्लानिंग जब हम करते हैं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग का मतलब ये होता है कि हम फौरी तौर पर कोई इनिशिएट करना चाहते हैं, अगर हमें खतरा होता है कि हमारी इकोनॉमी कोलैप्स ना कर जाए, हमारी स्टॉक एक्सचेंज कोलैप्स ना कर जाए, या मिड टर्म हम इसलिए करते हैं कि जी चलें एक वो मैं पॉलिटिकल साइड पे नहीं कहूंगा, इसलिए कहते हैं कि चलें जी हमारी मईशत का पहिया चल जाए, तवील उल मुद्दती यानी लॉन्ग टर्म जो हम प्लानिंग करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हम आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को महफूज बनाते हैं, हम उनके फ्यूचर प्रोड्यूस करने के लिए कोशिश करते हैं। इन तमाम जो इनिशिएटिव हैं इसका तवील उल मुद्दती क्या असरात मुरतब होंगे और इसके शॉर्ट टर्म क्या इफेक्ट होगा आपको?
देखिए इस वक्त जब आप वर्ल्ड बैंक का ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स देखते हैं ना, तो बड़े शर्म से कि हमें गर्दन झुक जाती है कि हम साउथ एशिया में भी सबसे निचले दर्जों पे आते हैं। और ह्यूमन कैपिटल का मतलब यह है कि आज जो बच्चा पैदा हो रहा है 18 या हो रही है 18 साल बाद, अगर उसको एजुकेशन और जो हेल्थ की फैसिलिटी मिले तो वो अपना 100% पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकेंगे, वरना वो कम करेंगे। और पाकिस्तान के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो 41% सिर्फ अपना पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकते हैं, 59% उनका पोटेंशियल जाया हो रहा है। तो ये जो तवील मुद्दती आप मंसूबों की बात कर रहे हैं ना, तो तवील मुद्दती मंसूबे जो हैं वो यही है कि आप अपने ह्यूमन कैपिटल पे कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज हम हेल्थ पे कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, एजुकेशन पे कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, या हम लोगों को रोजगार देने के लिए कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और कोरोना में जो सिल्वर लाइनिंग आई है वो ये है कि अब आपको ऑनलाइन ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब मेरे पास लंडी कोतल में या लोअर दीव में ये उजर नहीं है कि वहां पर बिल्डिंग नहीं है या मैं वहां पर कोई स्टेट ऑफ द आर्ट कोई लेबोरेटरी नहीं बना सकता। मैं हर चीज जो है इस वक्त ऑनलाइन कर रहा हूँ और पाकिस्तान में हो रही है ऑनलाइन टेली मेडिसिन भी चल रही है, हमारे पास ऑनलाइन एजुकेशन भी चल रही है, ये प्रोग्राम भी हम ऑनलाइन कर रहे हैं अपने अपने घरों पर बैठे हुए। तो ये आपके पास एक सिल्वर लाइनिंग है। और तभी मुद्दत से जब मैं सोचता हूँ तो मेरे दिन मेगा प्रोजेक्ट नहीं आते हैं, मेरे दिन में ये आता है कि आने वाली नस्ल जो है उसको हम कैसे इस काबिल बनाएं कि वो अपना पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल करे और पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल करके दुनिया में एक जो कंपेटिटिव जनरेशन के तौर पे सामने आए, ना कि हमारा हाथ जो है वो हमेशा नीचे ही रहे। जी बहुत शुक्रिया आपका आबिद क्यूम सिलहरी साहब, मुल्की मुमताज माहिर माशियात और खसूसी तौर पे अली मोहम्मद खान साहब वजीर ममलिकत बराए पार्लिमानी उमूर, आपने अपने कीमती वक्त से नवाजा। नाजीन शायर तो नहीं, कोई अदीब और मुफक्किर भी नहीं, अंदाज बयां भी शायद आपको ना भाए, लेकिन एक बात यहाँ पे एहसास के हवाले से मैं जरूर करूंगा कि अगर एहसास के शोलों से जलता है जमीर उसका, तो इसकी इस बेबसी को भी मैं वफा का नाम दे दूंगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। खबरों के हजूम में सच की तलाश मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। मुल्की और गैर मुल्की हालात और वाकयात को हम परखते हैं हर जाविये से और बिलाखिर ढूंढ लाते हैं सच को जो हकायक पर मबनी होता है। देखिए प्रोग्राम सच के साथ सैयद अनवारुल हसन के साथ, देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 10:05 पर सिर्फ बिजली न्यूज पर। फौरी खबर हो, राय या तज़िए, डिजिटल दुनिया में आपके साथ साथ पीटीवी न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत, टॉक शोज, खसूसी रिपोर्ट्स और आगही के पैगाम की फौरी रसानी के लिए पेश। पीटीवी न्यूज फेसबुक अकाउंट पर 30 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल। हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया। पीटीवी न्यूज दरोस्त हर वक्त बार।